क्योंकि ये क्लिनिकली एक तो टेस्टेड है एंड कंप्लीट हर्बल प्रोडक्ट है, नो एडेड प्रिजर्वेटिव्स। हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल प्रोटेक्ट बेबी। आज हम बात करने वाले हैं हिमालयन बोनोसिन के बारे में। हिमालयन बोनोसिन देना बच्चों के लिए रिस्की होता है या नहीं, मैं आप सबके साथ अपना पर्सनल ओपिनियन शेयर करूंगी, सो प्लीज़ मेरे साथ वीडियो में एंड तक बने रहिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं हिमालयन बोनोसिन होता क्या है। हिमालयन बोनोसिन एक ऐसे ड्रॉप्स है जो बच्चों को जब वो 1 मंथ के होते तभी से दिया जाता है। ये कम्प्लीटली आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है, इसमें कुछ भी हार्मफुल प्रिजर्वेटिव्स आपको नहीं मिलेंगी आपको। ये हिमालयन बोनोसिन का एक और बात, इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूँगी कि ये क्लिनिकली टेस्टेड है एंड प्रूवन है डॉक्टर से, ताकि ये बच्चों को ईजिली आप दे सकें। हिमालयन बोनोसिन में क्या क्या इंग्रेडिएंट्स है उसके बारे में बात करेंगे। पहले तो उसमें 3 इंग्रेडिएंट्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है वो होते हैं, फर्स्ट हो गया डिल ऑयल, सेकेंड हो गया कार्डमम, थर्ड हो गया लॉन्ग पेपर। डिल ऑयल किस चीज़ में यूज़ होता है, बच्चों को जैसे कि कॉन्स्टिपेशन होता है यानी कि पेट दर्द होता है, मोशन आने में प्रॉब्लम होती है एंड बच्चे काफ़ी ज़्यादा रोते हैं, तो बोनोसिन का सबसे पहला यूज़ यही होता है कि वो बच्चों के डाइजेशन में मदद करे, बच्चों को ईजिली मोशन पास हो सके, बच्चों को ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन ना हो और बच्चों को ईजिली पॉटी आ जाए। तो इसीलिए बोनोसिन बहुत सारे डॉक्टर्स प्रिफर करते हैं ताकि बच्चे एक हेल्थी लाइफस्टाइल गुजार सके और उन्हें ज़्यादा पैनिक होना ना पड़े। सेकेंड पॉइंट बताना चाहूँगी जिसमें होता है कार्डमम। कार्डमम मोस्टली जो है बच्चे को डाइजेस्टिव सिस्टम जो बच्चे का होता है ना वो वीक ना हो जाए, उसे स्ट्रॉन्ग बनाने में मदद करता है। डाइजेस्टिव जो ट्रैक होता है वो वाले ट्रैक को प्रिवेंटेड रखता है एंड ईजीली बच्चे का जो है बाइल मूवमेंट कंप्लीट होने में मदद करता है, जिससे बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, अच्छे से डाइजेशन हो जाता है, उससे कोई दर्द भी नहीं होता। थर्ड पॉइंट बताना चाहूँगी इसमें है लॉन्ग पेपर। लॉन्ग पेपर जो है बच्चों को हेल्थी ग्रोथ में बहुत ज़्यादा मदद करता है, स्टमक में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बच्चों को बहुत से पेट दर्द की प्रॉब्लम होती है, बच्चे रोते हैं, इतना रोते हैं, दर्द से तकलीफ़ में आते हैं, जिससे हमें जो है परेशानी हो जाती है कि हम क्या करें, हमें समझ नहीं आता। तो बच्चों की जो मेन प्रॉब्लम होती है कि अगर आप फॉर्मूला मिल्क दे रहे हैं, यानी कि बहुत से लोग बच्चे फॉर्मूला मिल्क पीते हैं, बहुत से मदर्स ब्रेस्ट फीड नहीं करते, इसलिए मैं बताना चाहूँगी कि ब्रेस्ट फीड बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो जितना हो सके अपने बच्चों को ब्रेस्ट मिल्क फीड करें, बट जो फॉर्मूला मिल्क देते हैं वो सारे बच्चों को मोशन आने में बहुत प्रॉब्लम होती है, तो उन सब के लिए मैं सजेस्ट करूँगी कि प्लीज़ बोनोसिन ड्रॉप्स उन्हें दिया करें। बच्चा आपका जैसा 1 मंथ का होता है देना स्टार्ट कर दें सुबह शाम एज डायरेक्टेड बाय द फिजिशियन, या फिर आपको उसके ऊपर पीछे लिखा भी मिलेगा कि आपको कितना डोज देना है, क्या टाइम पर देना है। तो ये ज़्यादातर फॉर्मूला मिल्क के बच्चों के लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हुआ है, उनको ईजिली वॉशरूम आता है एंड उनमें कोई ऐसी प्रॉब्लम नज़र नहीं आती। अभी बात करते हैं फोर्थ पॉइंट के बारे में। बहुत से बच्चे जो है ना वीक होते हैं, जल्दी जल्दी बीमार पड़ते हैं, उनका इम्यून सिस्टम बिल्कुल लो होता है, तो इम्यून सिस्टम को भी ये स्ट्रॉन्ग करता है बोनोसिन देने से। बच्चों की हेल्थी ग्रोथ, बोन्स यानी कि थोड़े बच्चों के छोटे बड़े बोन्स हो जाते हैं, पैर छोटे बड़े होते हैं, बहुत सी चीज़ें हैं बच्चों में, बहुत डिसेबिलिटीज़ आने के चांसेस होते हैं, तो मैं हर मदद से सजेस्ट करूँगी प्लीज़ आप बोनोसिन दें, ताकि आपके बच्चे के जो बोन्स हैं बॉडी के अच्छे से डेवलप्ड हो, उनकी एक यू नो हेल्थी ग्रोथ यानी कि कुछ कमी पेशी ना हो, उनकी ग्रोथ में अच्छे से डेवलपमेंट हो एंड वो एक हेल्थी लाइफस्टाइल गुजार सके। फिफ्थ पॉइंट की बात करेंगे, यानी कि फिफ्थ पॉइंट जो मैं कहना चाहूँगी, बच्चे बहुत से है ना खाते नहीं हैं, जो कि 6 मंथ्स अबव बच्चे होते हैं उनको हम सॉलिड इंट्रोड्यूस करवाते हैं, वो खाते नहीं हैं, उनको भूख नहीं लगती, बहुत से ये मदर्स की टेंशन होती है एंड कंप्लेन होती है कि भाई हमारा बच्चा तो कुछ खाता ही नहीं है, तो जब आप बोनोसिन देते हैं तो बच्चे को ऑटोमेटिकली भूख लगती है एंड बच्चे का जो एपिटाइट होता है वो बढ़ता है, यानी कि जो भूख है वो बढ़ती है और बच्चा अच्छे से खाना खाता है, क्योंकि उसका डाइजेशन जो है ना वो अच्छे से मेंटेन करके रखता है, तो बेबी को फूड इजीली जल्दी जल्दी डाइजेस्ट होते जाता है, उसे भूख लगती है वो फिर खाता है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बच्चे का वेट भी उससे बढ़ने में हेल्प होती है, जब बच्चा अच्छा खाएगा तो ऑब्वियसली उसका वेट भी बढ़ेगा, तो ये जो वेट कम होने की प्रॉब्लम है, बोन्स की प्रॉब्लम है, डिसेबिलिटीज़ की प्रॉब्लम है या फिर बच्चे की हेल्थी ग्रोथ नहीं हो रही है, ये सारे प्रॉब्लम्स अगर आप बोनोसिन देंगे तो दूर हो जाएंगे। एंड जो ऑर्गन्स होते हैं ना बच्चों का, ब्रेन होता है, किडनीज होते हैं,
हैं, सारे जो ऑर्गन्स होते हैं वो भी एक लिमिट से ग्रो होते हैं. अगर उनकी भी जो ग्रोइंग स्पीड है अगर कम होती है तो उससे भी बच्चा जो है ना आपका स्लो हो जाता है और उसे एक डिसऑर्डर माना जाता है. तो वो डिसऑर्डर भी हिमालयन बुनोसिन बिल्कुल नहीं होने देता. तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सिक्स्थ पॉइंट बता रही हूँ, जो कि आप अगर बुनोसिन देंगे तो आपके बच्चे को कुछ ऑर्गन डिसेबिलिटी भी नहीं होगी. तो ये कुछ बुनोसिन के फ़ायदे थे जो कि आप जब अपने बच्चे को देंगे तो ऑटोमेटिकली आप ऑब्जर्व करेंगे. मैं पर्सनल ओपिनियन दे रही हूँ, मेरी बेबी गर्ल है एंड मैंने उसे ये सिंग्स जब वो 1 month की थी तब से दिया था. अभी नाउ शी इज़ 15 months ओल्ड एंड उसकी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से ग्रोथ हुई है एंड उसको कभी ऐसा वॉशरूम की भी प्रॉब्लम नहीं हुई है. तो आप सब भी बेझिझक होकर ये दे सकते हैं. तो अभी बात करेंगे कि ये रिस्की है या नहीं. बिल्कुल भी रिस्की नहीं है, क्योंकि ये क्लिनिकली एक तो टेस्टेड है एंड कंप्लीट हर्बल प्रोडक्ट है. नो एडेड प्रिजर्वेटिव, नो अल्कोहल. बहुत से मदर्स की ये भी टेंशन होती है कि बुनोसिन में अल्कोहल है क्या. नो, बुनोसिन में बिल्कुल भी अल्कोहल नहीं है, कुछ भी एडेड प्रिजर्वेटिव्स है ही नहीं उसमें. उसमें बस हर्बल प्रोडक्ट्स है जो कि कम्प्लीटली बच्चों को नज़र रखते हुए उसे डिज़ाइन किया गया है, एडवांस टेक्नोलॉजी से बनाया गया है. ये भी कन्फ्यूजन दूर करना चाहूँगी कि ग्रेप वाटर देना अच्छा होता है या बुनोसिन. तो मैं सजेस्ट करूँगी कि गो अहेड विद बुनोसिन. ग्रेप वाटर एक ओल्ड फॉर्मूला था, बुनोसिन एडवांस्ड फॉर्मूला है एंड कम्प्लीटली हर्बल है विथ नो साइड इफेक्ट्स. तो आप बुनोसिन ईजिली अपने बच्चों को बिना टेंशन दे सकते हैं एंड आपके बच्चे की हेल्थी ग्रोथ होगी. तो प्लीज़ आप ये वीडियो को शेयर करना. ये मैंने अपना पर्सनल ओपिनियन शेयर किया है, जितना हो सके इसे शेयर करें जिसके भी घर में बच्चे हैं एंड उनकी टेंशन दूर करें. मेरे और भी वीडियोज़ देखने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, लाइक करना, मुझे कमेंट करके बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा. कुछ भी डाउट्स हो, क्वेश्चन हो, आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो फ्रेंड्स. टेक केयर, बाय बाय.